छुआया करता था, क्योंकि वो नापना चरण निकट जान देश धक्का उड़े एक दो तीन किलोमीटर तक नो दिखा वो बैठा बाबा जी और डेग दिखा बंदर सा। हाँ उन्हें के जरूर चरण छोड़ गई, फिर लोहे ना आण त्यागला तो आप पर थ्यूरी बना ली उन्होंने कि वो परम संत है। ये परम संत की दिखाऊंगा कि हालत हुई, ये देखिए ये वही जीवन चरित्र चल रहा है 79 पृष्ठ पे। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ। वह बयान किया करती थी कि इसमें बहुत अच्छा रस आता ये है। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन पूरा का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में जाती थी बुक की गई वह भूत वह पड़ी थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी उनकी मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और दो दो दिन आजत हजूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। लोगों को यह डर हो गया था कि यह मरेगी 80 पे। करीब डेढ़ महीने के ये हाल रहा, सबको खौफ हो गया कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो, और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर लेखक था यू शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी जी का छोटा भाई प्रताप सिंह, वो कह रहा है कि मेरे हिस्से में जो पन्नी गली वाला अब मकान आया हुआ है उसमें के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और ओका भरती थी। अरे वाह, और वह पलंग अभी तक बिछा हो रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी यानी जब स्वामी जी जीवित थे ओका भरती थी, रोटी खुआया करती थी, रोटी खाकर स्वामी जी ओका पाड़ा करता, गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा भी उसी तरह कबूल फरमाते थे। यानी भूत बन गया, वो बुक्की में प्रवेश हो गया, वह बुक्की रोटी बनावे ओका भरे और पलंग पर बैठ कर खावे और फिर ओका पीवे भूत उसमें बुक्की में। शिवदयाल जी प्रेत बनकर राधा स्वामी का प्रवर्तक कुल सेवा पेश उसी तरह कबूल फरमाते थे जो जैसा कि अंतर ध्यान होने से के पेशतर करते थे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उसके अंदर जब तक वह मरी तब तक वो भूत बुक्की में रहा, ने ओके पिए और खूब चूरमे खाए। यहाँ तक कि जिस तरह की जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए दरियाफत कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस न्याजमंद को भी यानी लेखक प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए बुक्की जी में ट्रांसफार्मर लग रहा था हैं, उसमें कौन सा सैटेलाइट था भूत बोल रहा था, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करते थे। और इंटरनेट लग गया उसमें, फिर भूत बन गया आके और बुक्की में बोल रहे और वहाँ जोड़ के कहें महाराज हमें कोई ऐसा दुख होगा, फिर वो बताया करता था ऐसे कर लो वैसे कर लो। तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करते थे। वाह भाई वाह, और जैसा हुक्म होता था वैसे ही मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह से राय साहब ने, यो राय सालग राम जो था इसने भी मौज की थी और बुक्की जी के जरिए दो चार बार हुक्म हासिल किए थे। अब चाचा प्रताप सिंह और राय साहब का कौन सा इंटरनेट नहीं था या उन्होंने कोई भक्ति ना करी थी, बुक्की में क्यों बोला
क्योंकि वो भूत बन गया इस पांचों नाम की भक्ति से, और ये एंड वेंड बोलन थे प्रेत बनकर के उस अपनी बुक की माँ के लड़की में उस शिष्या में प्रवेश हो गया और ने हुक्का पीवे बुक्की में का आनंद ले और नरे रोटी खा। एक भक्त बतावा था, इन्हें बोला जी मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, 15-20 वर्ष उसने भक्ति करी, वो मर गया। मरने के बाद वो पहले वो क्या करा करता, उन्हें चूरमा बहुत पसंद था, हफ्ते 10 दिन में चूरमा जरूर खाया करता, और ढाई ढाई दो दो घंटे शाम ने जो बैठा रहता, सुबह भी कोल्लू सा गड़ी जाया करता, हल्ला भी नहीं ऊपर का चादर गिर गए। और हमने सोचा तो यो हाथ भी ना लाता, इतनी साधना कर रहा, और फिर वो भूत बनकर अपनी पुत्र वधू में बोलन लग गया, इतना दुखी करे निरावा कदम बेहोश पड़ी रहे। फिर उठ के वो बीड़ी पी आरता, बीड़ी पी हुआ पहले ना पिया करती, वो भूत आने आए पाछे बीड़ी पीन लग गई और चूरमा खावे। और एकाधी बार हमारे कुछ ऐसी भी उसने होने वाली दुर्घटना के बारे में पहले बता दी, एकाधी बार सत्य भी बताई, लेकिन उसने इतने परेशान कर दिए, रोज चूरमा लियावा कित उसने, और वो पुत्र वधू ने काम करने दे नहीं, लोट जा खा के इब आपका नाम ले पाछे उच्चा चत पांडा छूटा मारा जब वो भूत बाजा। तो पुण्यात्माओं यही सती थी उस राधा स्वामी शिवदयाल जी की थी, वो बुक की अपनी शिष्या माँ का प्रवेश हो गया और आखिरी सांस तक रहा जब तक वह मरी नहीं, वह भी गल भूत बन गई, वह तक फिर कट्ठे भटक रहे कि तरह। तो पुण्यात्माओं परमात्मा बताते हैं आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठगाना ना, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास कर बंदगी भाई बहुर ना ऐसा दावे। ओए ओए। ऐसा सुअवसर मानुष जन्म या बिजली पिंडी, और ये इतिहास आपके सामने सब संतों का और सब और यथार्थ ज्ञान आपके सामने है। तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यह सत्संग सुनने को मिल रहा है। आज ये तीसरा दिन और अंतिम दिन था इस समागम का, परमेश्वर की वाणी को भोग लगा। पूरी पृथ्वी के ऊपर यदि कहीं पर शास्त्र अनुकूल साधना है तो इसी सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर है। कोई तो मंत्र जाप करता है, कोई कुछ साधना करता है, कोई किसी प्रकार की पूजाएं करता है, तो वो साधनाएं इनकम्प्लीट हैं, अधूरी हैं, वो मोक्षदायक नहीं है, जिस कारण से पुण्यात्माएं संघर्ष करते हुए भी साधना करते करते भी वो अपना जन्म हार कर जाएंगे। परमात्मा की पूर्ण जानकारी ना होने से हम अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग गा रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई श्री विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर उसी की पूजा करता है, और कोई शंकर भगवान शिव जी को ही सुप्रीम पावर मृत्युंजय कालज्जय मानता है, कोई श्रद्धालु दुर्गा को ही अंतिम गॉड मानता है, अंतिम देव मानता है, और कोई श्रद्धालु किसी हनुमान जी को, कोई गणेश जी को, और कोई कोई कुछ ज़्यादा अपने आप में
विद्वान मानता है वो ओम नाम का जाप करता है, ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा सुप्रीम पावर मानता है। ये तो ऐसी क्रियाएं हैं, जब तक हम पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं होते, आध्यात्मिक ज्ञान से, पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होते, तब तक हम ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं ज्ञान नेत्रहीन ऋषि महर्षियों का। एक समय एक गांव में हाथी आ गया। वो आकर कपड़े मांगते फिर आकर हाथी के ऊपर बैठ गए। पांच अंधे थे, उनको पता चला कि भी गांव में हाथी आया हुआ है। उन्होंने भी मीटिंग करी, भाई चलो हम भी हाथी देखे, हमें भाई चलो। वो चल पड़े एक दूसरे की बाजू पकड़ के। किसी ने पूछा भी कहाँ जा रहे हो? सूरदास के हाथी देखने जा रहे हैं। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि भाई हाथी ने देखोगे कैसे, तुम्हारे आंख तो है नहीं। अंधों ने कहा कि हमारे हाथ ही आंखों का काम करते हैं, एक बार हमने तू उस हाथी के आसपास छोड़ दे, फिर हम आप देख लेंगे। उस आंखों वाले ने उन सूरदासों को ले जा करके हाथी के निकट छोड़ दिया। उसके चारों तरफ फैल गए वो। सामने वाले ने सूंड ठा गया, हाथी का सूंड हाथ लग गया और उसका ऊपर का हाथ फेरा, जहां वो अड़ जा उड़े तो उल्टा वाले। दूसरे ने कान ठहगे, वो कानों का ऊपर का हाथ उठ फेरे, यानी निरीक्षण करे हाथी का। एक ने वो पैर देख लिए, हाथी के पैरों को निरीक्षण कर लिया, ऊपर नीचे खूब समझ लिया उनको। एक ने दूम ठहगी, दूम पीछे पूछड़, वो पूछ को ऐसे हाथ मार मार के खूब अपना अनुभव ग्रहण कर रहा है। और पांचवा नीचे का हाथ फेरा पेट पर कह, पेट पर कह जहां तक भी उसका हाथ गया हाथ फेर लिया। और पांचों चल पड़े वापस। किसी ने पूछा कहां गए थे सूरदास? के वे हाथी देख के आए हम। तो वो कहने लगा भाई तुमने हाथी देखा कैसे, आंख तो है नहीं। तो उन अंधों ने कहा भी हमारे हाथ जो है आंखों का काम करते हैं। वो आंखों वाला कहने लगा भी बोल बताओ तो हाथी कैसा था? जिसने सूंड का अनुभव किया था, सूंड पकड़कर उसका निरीक्षण किया था, जांच करी थी, वो कहता भाई हाथी होता है पाइप के साथ। दूसरा कहने लगा भाई इसने कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं, हाथी होता छाज के साथ, उसने कानों का निरीक्षण कर रखा था। तीसरा बोला भाई इनने कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ, हाथी होता बेल्ट के सा, पटे जैसा, आटा पीसने की चक्की के ऊपर एक पटा होता बेल्ट, जो मोटर से संबंधित होता है और चक्की घुमाता है। तो उसने दूम यानी पूंछ का अनुभव कर रखा था। वो कहने लगा हाथी होता पटे के सा, बेल्ट के सा। अब चौथा बोला भाई इन्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ, हाथी होता थाम्ब के सा, पिलर के सा। उसने वो हाथी के पाँ देख रखे थे, अनुभव कर रखा था पैरों का। पांचवा बोला भाई इन्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ, हाथी होता है बटोड़े के सा। बटोड़ा इस हरियाणा में बटोड़ा बोलना है कि ये गुस्से उपले पत्थर गोबर के, और फिर वो ज्यादा हो जाए उनको स्ट्रोक करते, सुखा सुकू के स्ट्रोक कर देते थे, के बाहर रखे होते थे वर्षा में ना भीग जाए, इस करके उसके ऊपर पूरी अच्छा ऊंचा बना देते थे उसको, और उसके ऊपर का गोबर का ही प्लास्टर कर देते थे, गोबर प्लास्टर। और वो ऐसा खरदरा सा होता था जैसे हाथी का शरीर होता है। तो पांचवा बोला भाई हाथी होता बटोड़े कैसा। अब वो आंखों वाला बोला रे बोले आदमियों ये सारा मिलकर हाथी है, ये अलग अलग पार्ट्स को तुम फाइनल माल के और अपनी अज्ञानता ही प्रदर्शित कर रहे हो। तो पुण्यात्माओं अभी तक हम उस हाथी के यानी परमात्मा के किसी अंग को ही फाइनल मान बैठे थे, जैसे आप जी ने परमेश्वर की वाणी में पढ़ा।